वापस चलिए। सिर्फ 26 साल की एज में आप देख सकते हैं कि कितनी डिसेबिलिटी है सलाउद्दीन को, चलना मुश्किल है और थाइस के बीच में जो फिक्स डिस्टेंस है ना, वो कम हो सकता है ना ज़्यादा हो सकता है। एंड ही इज़ पुटिंग सो मच स्ट्रेस ऑन हिज नीज एंड एंकल्स। आइए। ठीक है, आ जाइए। तो हम सलाउद्दीन के साथ हैं जिनको GIA है। जब ये 6 साल के थे तब से इनको पोली आर्थ्राइलजिया यानी कि मल्टीपल जॉइंट्स में प्रॉब्लम शुरू हुई है। एंड नाउ ही इज़ 26, जब 6 साल के थे यानी कि 20 साल से इनको प्रॉब्लम चल रही है, अब तकलीफ़ ज़्यादा है। अगर हम एग्जामिनेशन करते हैं तो पहली चीज़ आप देख सकते हैं, देयर इज़ ए फ्लेक्शन डिफॉर्मिटी ऑन द लेफ्ट साइड, जो नी है पूरा टच नहीं कर रहा है और पैर बाहर की तरफ जा रहा है, दैट मीन्स देयर इज़ फ्लेक्शन एज वेल एज एक्सटर्नल रोटेशन डिफॉर्मिटी। इधर फिर भी नी काफ़ी हद तक टच हो जाता है। ओके, अगर हम मूवमेंट्स की बात करें तो पहले राइट साइड देखते हैं। राइट में फ्लेक्शन अराउंड 10 डिग्री है, बहुत ज़्यादा मूवमेंट नहीं है। और अबडक्शन देखिए, बिल्कुल जस्ट हार्डली 10 डिग्री, मूवमेंट्स रिस्ट्रिक्टेड हैं। इधर अभी भी कुछ मूवमेंट्स बची हुई हैं। इधर दर्द भी होता है, जब तक मूवमेंट होती है तब तक पेन होता है, जब मूवमेंट ख़त्म हो जाती है तो पेन ख़त्म हो जाता है। अब लेफ्ट में पेन नहीं होगा, क्योंकि लेफ्ट में पूरा फ्यूजन हो चुका है, जॉइंट बिल्कुल जुड़ चुका है, एंकलोसिस हो चुका है, तो इसलिए इधर पेन नहीं है। लेकिन इधर मूवमेंट भी नहीं है, ये देखिए, देयर इज़ नो मूवमेंट, पूरा पेल्विस वहाँ से मूव कर रहा है, ये देखिए। बट नी इज़ फाइन, दैट इज़ गुड फॉर अस। इधर भी नी की मूवमेंट बहुत अच्छी है। एंड नाउ राइट नाउ ही इज़ वॉकिंग विद हिज नीज एंड एंकल्स ओनली। ओके, अगर हम स्प्रेड करना चाहें लेग्स को तो मैक्सिमम यही है, इससे ज़्यादा नहीं खोल सकते, दैट्स ऑल। और अगर पास लाना चाहें तो इससे ज़्यादा पास नहीं ला सकते, राइट? आपको दिखाई दे, तो अबाउट 1 foot हम खोल सकते हैं पैरों को, और पास लाएंगे तो 6 inches का गैप फिर भी रहता है, यानी कि मूवमेंट्स बहुत कम हैं। इसी की वजह से इनका पेल्विस पूरा टिल्टेड है, रोटेटेड है। आप देखिए, इधर जो पेल्विस है ये नीचे की तरफ है और ये ऊपर की तरफ, यानी कि रोटेटेड भी है। पेल्विक टिल्ट तो होता ही है नीचे ऊपर, लेकिन इनका रोटेटेड भी है। स्पाइन भी फिक्स्ड है। नेक में कितनी मूवमेंट है? नेक पूरा है, बाकी हाथ में और बाकी जॉइंट्स में देर ऑल फाइन, ग्रेट। GIA में बहुत बार हमने देखा है कि बच्चों के रिस्ट और एल्बो भी स्टिफ हो जाते हैं, बट सलाउद्दीन इज़ वेरी लकी कि इनको सिर्फ एक्सियल स्केलेटन में प्रॉब्लम है, इनके हिप्स और स्पाइन में ही प्रॉब्लम है। एक बार नीचे आओ, आइए। ये है सलाउद्दीन का सर्जरी से पहले का एक्सरे, जिसमें आप देखेंगे कि बॉल और सॉकेट के बीच में कोई स्पेस नहीं है और बोन्स बिल्कुल फ्यूज हो चुकी हैं, देयर इज़ नो मूवमेंट एट ऑल। और ये है सर्जरी के 1 साल के बाद, नॉन सीमेंटेड इम्प्लांट्स हैं, बोन अच्छी तरह से ग्रो कर गई है, एंड नाउ सलाउद्दीन इज एबल टू डू ऑल हिज नॉर्मल एक्टिविटीज। यू कैन सी द पॉजिटिविटी, द कॉन्फिडेंस एंड द ईगरनेस। सलाउद्दीन बेसिकली अप्रूव करना चाहते हैं कि वो अपनी बीमारी के बारे में भूल चुके हैं और वो ज़िंदगी में आगे बढ़ना चाहते हैं। हज़ारों लाखों यंग पेशेंट्स इसी तरह से तकलीफ में हैं, लेकिन MIS टेक्निक के साथ दे कैन कम बैक टू नॉर्मल लाइफ एंड प्रूव देयर पोटेंशियल। सलाउद्दीन इज बैक विद अस आफ्टर 1 year ऑफ बोथ हिप रिप्लेसमेंट। इनका एंकलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस था, हिप्स बिल्कुल फ्यूज थे, और पहले की जो मूवमेंट है इनका जो थाइस है उसको हम सेपरेट नहीं कर पा रहे थे, लेकिन अब हम खोल पा रहे हैं और मूवमेंट्स आप देखिए बहुत अच्छी पेन फ्री मूवमेंट है। आप एक जगह स्टेबल हो जाएं, ये बिल्कुल अच्छी मूवमेंट है, बिल्कुल पेन को दर्द तो नहीं ऐसे। एंड वी कैन ओपन द थाइस वेरी वेल, और हालांकि लेग में थोड़ा सा डिफरेंस है क्योंकि अभी थोड़ा पेल्विक टिल्ट है, बिकॉज स्पाइन इज ऑल्सो फ्यूज्ड। और जैसे जैसे क्योंकि अभी 1 साल हुआ है, जितना आप चलेंगे
आपकी बोन स्ट्रांग हो जाएंगी, आपकी मसल स्ट्रांग हो जाएंगी और धीरे धीरे हम पूरा काम करेंगे। जैसे क्रॉस लेग बैठना है, जमीन पे बैठना है, तो सारा शुरू करेंगे। दोनों घुटने मोड़िए, कमर उठाइए। वेरी गुड। आपने अभी बैठ के दिखाया था नीचे, एक बार बैठते हैं। जैसे जब हमारी नमाज पढ़ने की पोजीशन होती है, सजदा करने की, हाँ, तो बिल्कुल ऐसे कंफर्टेबली बैठ सकते हैं। एंड दिस इज पॉसिबल ओनली विद MIS टेक्निक। अगर हम कन्वेंशनल टेक्निक से करेंगे, ओपन टेक्निक से, तो पेशेंट ऐसे नहीं बैठ सकता है। ठीक है, थैंक यू। उनका हाँ जी, खुश हैं? है, खुँ खुँ जी। अच्छा लग रहा है, है? बच्चा अब चल पा रहा है, दौड़ पा रहा है, सब काम कर रहा है। काम काज कर रहा था, एक तो दुर्बल हो गया भाई, एक तो बेसी कुन हाथ ले ही दुर्बल हो गया। कुछ खाने को खाना थी, खावा भालो ना। ये तू तू कहता तू काम ना करता है, सात बार खाए से हमारे देश आज सात बार तीन बार खाया। यू कैन आस्क इन योर लैंग्वेज की हाउ वाज द एक्सपीरियंस। ओके, अच्छा, আপনি যে আসছেন তখন, যখন আপনি নিয়ে আসছিলেন তখন কেমন ছিল ওর অবস্থা? ওর অবস্থা খুবই খারাপ ছিল, আল্লাহ রাসূলের দয়ায় ওই দিল্লিতে পাঠানোর পরে আমার ছেলে খুবই ভালো। ওকে, হাঁটাচলা করে আর হ্যাগো যে সেবার মান, হ্যাগো বলার মতো না, আমরা মা পেটে লইছি, আমগোর চেয়েও বেশি দরদ হ্যাগো। ওকে, একটা রুগীরে অনেক যত্ন করে এরা। ওকে, ইয়া, শি ইজ ভেরি হ্যাপি এন্ড শি ইজ সেইং দ্যাট অ্যাকচুয়ালি ইটস হার চাইল্ড দো, but for your hospital actually took care like a mother takes care of her child. Okay, or more than that, she's very happy. And she's very about the happy about the outcome as well, and hopefully, and I've talked to the personally to the patient as well. He has also expressed his feeling that his life is completely changed. You can speak in Bangla. Yeah, ami motamoti alhamdulillah ekhon pura puri shusto, ager tulonay ekdom পুরোপুরি লাইফ চেঞ্জ হয়ে গেছে, যেটা জরুরি ছিল আমার জন্য, যে কোনো লোকের জন্য জরুরি, বেঁচে থাকার জন্য, বেঁচে থাকার জন্য যতটুকু প্রয়োজন। Okay, he's saying that he's absolutely happy about it and he's very delighted, he, and elated that he, his life is completely changed. He is very happy. Last time when you came to us, you were practically bedridden, jyada movements nahi kar pa rahe. To abhi ek saal mein have you started your job, your work? Work shuru kiya hai. Kya kaam kar raha hai? Online business karta hu. टाइम जब इनको अपना करियर शुरू करना है, मैरिड लाइफ शुरू करना है, एंड बिकॉज ऑफ दिस डिसेबिलिटी जो एंकालोजिंग की वजह से या जो प्रॉब्लम होती है उसको हम टेक केयर कर पा रहे हैं, एंड इट्स ऑल थैंक्स टू MIS टेक्निक and thanks to the faith that these patients keep in us and thanks to my team who are working day and night. Halanki wo camera ke samne nahi aate hain lekin bahut sare aise log hain, kam se kam 10 se 15 log aise hain jinke aap log naam bhi nahi jante, but it is because of their hard work that we are getting these results. Thank you, thank you very much, and all the best.